दूसरा आदेश, साधु जी, साधु जी, पुरुषों में से एलईडी ये जो सामने लगी इसके पीछे में अंकित सिंह नाम के बालक की अर्जी स्वीकार हुई है। ये जो एलईडी लगी है, ये टावर जैसा लगा है लाइट वाला, इसके पीछे में अंकित नाम की अर्जी स्वीकार हुई है। आजा बेटा जल्दी से माइक लो। भाई साहब क्या नाम है? अच्छा कहां से हो? नजदीक माइक, नजदीक। उल्लासनगर। उल्लासनगर, नाम? अंकित। आपने यहाँ किसी को लिखवाया था क्या? नहीं सर। किसी ने बताया था? नहीं नहीं बाबा। हाँ हमें कैसे पता लगा, जो बताओ लो। हनुमान जी की कृपा है। अच्छा साधु जी, सीताराम, हमने जो हमें आज्ञा लगी हमने ब्यौरा लिखा है, आप अपना विषय बालाजी के चरणों में रख सकते हैं। पढ़ाई में ध्यान लगता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? बीएससी आईटी, आईटी, आईटी। यस। ठीक है, और कोई प्रश्न? मम्मी का पेट में थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, हम ऐसे कैसे माने कि आप ही अंकित हैं, तो हमारे इस पर्चे में आपके पिता का भी नाम लिख कर आया है। जी। क्या नाम है? संजय। पढ़िए, कैरियर का प्रश्न है, आईटी कर रहे हैं, मन उच्चाटित है, उच्चाटन हटेगा, मन शांत होगा, मनोरथ पूर्ण होंगे, माँ को पेट दर्द ठीक होगा, आपके पिता का नाम संजय है। जय श्री राम। अब कमियां सुन लो, लोग या चरित्र में कम पढ़ो, मोबाइल बंद करो, इलू इलू में फंस गए तुम अभी से, तो मैं भी लवेरिया हो गो। बंद हो जाए कितने दिन में? वो कर लो ब्रेकअप का हाउ, आओ कर लो, बड़ अड़वाल बुराई है, तो मैं 10 बजे रात के ऊपर देवी सवार हो जिंदा। मोबाइल ज्यादा हो गया तुम्हारा चालू, हम तुम्हारी भंजाई नहीं कर रहे, बहुत मतलब बहुत गंभीरता से बोल रहे हैं, तुम्हारी ये चीज बढ़ गई है, ये बंद करो जी, बाबा जी। और हम तुम्हें एक चीज लिख के भी दे देते हैं, वो बोलेंगे नहीं, ताकि तुम्हारी छवि भी खराब ना हो। माइक नीचे रखो, ये भी नहीं हो पाना है जिसके लिए तुम परेशान हो, समझ गए? यही आए बिन्न, साधु जी, ये चीज पर आज से ही, क्योंकि ये ना तुम तो पढ़े लिखे हो, हमारी हिंदी तो समझ आ रही है, ये करते हैं बात। हमने तुम्हें कुछ और कही, हम सच बता दें अब तुम्हें, तुम्हारे हमें तुम्हारी पोल, हम प्रायः किसी की पोल नहीं खोलते ना बेइज्जती करते, हमें लगता है, हमें बालाजी की प्रेरणा लगती है कि इस आदमी को सावधान करना चाहिए, हम तुम्हें सावधान करते हैं। इमोशनली ब्लैकमेल वो करती है चूंकि वो मुसलमान है, और उसके परिवार वाले तुम्हारे लिए घातक ना हो जाएं, कोई बड़ा कदम तुम्हारे ऊपर ना उठा दें, इसीलिए हमने तुम्हें डांटकर माइक से लाखों लोगों के सामने कहा है कि तुम्हें ब्रेकअप करना है। बताओ यस नो? जी बाबा जी। माइक से स्वीकार करो, क्या ये बात हमने कही कि सत्य है? बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी, सत्य है, सत्य है। जाओ खुश हो, और तुम हमारे अपने हो, अभी तुम्हें नौकरी करनी, क्योंकि माँ की बहुत अपेक्षाएं, माँ को लेकर आना है भभूति, वहां पंडित जी से ले लो, माँ को लेवा लाना, कल एक तो कथा में दर्शन करा देना, फिर धाम ले आना, और हम मतलब प्रेम के, देखो क्षमा करना, हम किसी के भी प्रेम के विरोधी नहीं है, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, चाहे पंथ से हो,
इससे हमें कोई मतलब नहीं है, और हमें तो सब समान है। हम सिर्फ ये बात इसलिए बोले कि किसी की जिंदगी अगर हमारे बताने से सुरक्षित हो जाती है और उसका हमला हमारे बताने से अगर बच जाता है तो हमें हनुमान जी ने शक्ति इसीलिए ही दी है। अब आप समझ गए प्यारा मोरब्बा। नेक्स्ट।